नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र राशि फल में। आज का प्रेडिक्शन है 22 नवंबर 2022 के बारे में। 22 बनाम 22, विक्रम संवत 2079 और कार्तक मास की जो तिथि है वो 13 है, सुबह 8:50 तक। उसके बाद तिथि 14 होगी, कार्तक वर्ष 14 और स्वाति नक्षत्र है। रात को 11:12 तक योग सौभाग्य करण विष्टि और चंद्र राशि तुला है और बिल्कुल अमावस्या के करीब है। बुधवार को परसों अमावस्या है, तो चंद्र में बल नहीं है, चंद्र इज गोइंग टू बी डाउन। तो क्या है कि फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है जब चंद्र में बल नहीं होता है, तो जो डेली रूटीन कार्य होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो और माइंड भी थोड़ा काम नहीं करता है, डल जैसा हो जाता है। वैसे भी नक्षत्र स्वाति है जो आराम प्रिय नक्षत्र है, इसकी योनि महिषी है। महिषी माने भैंस, वो भैंस कैसी होती है आप सबको मालूम है कि आराम से पानी में पड़ी रहती है। यदि आप उसको 5-6 घंटे तक भी पानी में रहने दो तो पानी से बाहर नहीं निकलेगी, तो आराम प्रिय है, बैठी रहेगी तो बैठी रहेगी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है इस नक्षत्र की। तो महिषी योनि देवगण, देव का भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आराम प्रिय है। तो ये नक्षत्र जो है वो जबरदस्त आराम प्रिय नक्षत्र है। और सूर्य का देखें तो नक्षत्र अनुराधा है और सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर है, चंद्र तुला राशि में है, मंगल रिट्रोगेट मृगशिरा नक्षत्र में वक्री है, वृषभ राशि के अंदर, बुध अनुराधा नक्षत्र में वर्गोत्तमी होंगे। तो बुध का ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ माना जाएगा। बिजनेस कारोबार जिनके लिए भी बुध संपत्ति देने वाले नक्षत्र में हैं, जैसे कि गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, ये जातकों के लिए आज का दिन बिजनेस कारोबार के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। शुक्र भी अनुराधा नक्षत्र में वर्गोत्तमी है, तो शुक्र का भी ट्रैनिंग बहुत शुभ है। शनि धनिष्ठा मकर राशि और गुरु उत्तर भाद्रपद मीन राशि, गुरु भी रिट्रोगेड है, राहु भरणी नक्षत्र के 2रे चरण और केतु स्वाति नक्षत्र के 4थे चरण के अंदर है। आज चंद्र और केतु का ग्रहण योग भी होगा नक्षत्र में, तो इस नक्षत्र के अंदर ग्रहण योग होने के कारण इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल जनमानस के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला होगा, माइंड को भ्रमित करने वाला होगा, ऐसा हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज का जो 22 नवंबर 2022 का ये आज का दिन है मंगलवार, तो सबके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए बात करें तो चंद्र आपके 7th हाउस में है, सूर्य आपके 8वें स्थान के अंदर है, और जैसे हमने बताया कि मेन एनर्जी सूर्य 8ष्टम स्थान में शुभ फल नहीं देती है, जिसके कारण क्या होगा कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो कुछ भी उठपटांग कार्य ना करें और शांति से समय आज का दिन पास करें। 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि के लिए चंद्र 6th हाउस के अंदर है, और जो मंगल के नक्षत्र वाले जातक हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये जातकों के लिए आज का दिन एक्सीलेंट रहने वाला है और आपको कुछ जबरदस्त बेनिफिट मिल सकता है। एब्रॉड रिलेशन, एब्रॉड कनेक्शन से आपको लाभ मिल सकता है, और ओवरऑल भी आपका जो 6th हाउस के चंद्र जो होते हैं वो शुभ फल देने वाले माना जाता है। मैटरनल साइड से भी कुछ आपको लाभ मिल सकता है, मैटरनल साइड बोले तो मामा मौसी की ओर से कुछ लाभ मिल सकता है।
नंबर यानी कि मिथुन राशि, चंद्र पांचवें स्थान में है। इस जन्म के या पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को उजागर करने वाले होंगे। और आज का जो ये ट्रांजिट है चंद्र का पंचम स्थान के अंदर, मिथुन वृक्षिरा के लिए एक्सीलेंट ग्रैंड सक्सेस इन फिनेंशियल मैटर, अदरवाइज इन लव मैटर। तो मिथुन वृक्षिरा के लिए दिन आज का बहुत शुभ रहेगा। आद्रा के लिए भी शुभ है। पुनर्वसु के लिए अति मित्र नक्षत्र है। तो मिथुन राशि वाले तमाम जातकों का आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। चार नंबर यानी कि कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बात करें तो चंद्र चौथे स्थान के अंदर है। सुख स्थान के अंदर चंद्र का फल शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्र फास्ट मूविंग घूमने वाले ग्रह हैं। और इतना भी फास्ट जो मोशन है वो किसी भी जातक को एब्सॉर्ब नहीं होता है। समझो कि चंद्र के मोशन के बारे में बात करें तो आपको बताएं कि कॉन्स्टेंटली आपको गाड़ी लेके घूमना है और कॉन्स्टेंट आप इंडिया का प्रवास करो एक महीने के अंदर जितना हो सकता है, तो क्या होगा कि आप थक जाएंगे। तो ये चंद्र का ऐसा है, चंद्र फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बहुत घुमाने वाला ग्रह है। और उसके कारण क्या होगा कि उसका जो स्टेडीनेस नहीं है, फिक्स फिक्स परिस्थिति नहीं है चंद्र की। उसके कारण क्या होता है कि जो विचार है वो भी हमारे जो माइंड के ऊपर कंट्रोल है चंद्र का, जिसके चलते हुए क्या होता है कि बार बार हमारे जो डिसीजन चेंज होते हैं, माइंड चेंज होता है, वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं। एक दिन के अंदर भी हम कितनी फीलिंग्स महसूस करते हैं, सुबह में खुश है, दोपहर में दुखी है, फिर खुश है, कितने मूड चेंज होते हैं हमारे दिन के अंदर। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ चंद्र। मून की जो कला है, चंद्र कला, इसमें जो वृद्धि होती है, डाउन होती है, और इसके ऊपर क्या इम्पेक्ट है कि कौन से लगन में से आप पास हो रहे हो। क्योंकि जो कुंडली होती है, हर 2 घंटे की एक नई कुंडली बनती है। एवरी 2 आवर्स कुंडली इज चेंज। और आप देखें कि आप प्रैक्टिकली महसूस करें कि हर 2 घंटे के अंदर अपना जो मूड होता है वो स्विंग होता है। तो कैसे स्विंग होता है, जैसे क्रिकेट के अंदर जो ये बॉलर बॉल डालते हैं और स्विंग करते हैं बॉल को, ऐसे हमारा मूड स्विंग होता है। एकदम सुखी होते हैं, एकदम हैप्पी होते हैं, हा करके बात करते हैं, और थोड़ी देर 2 घंटे के बाद टेंशन में आ जाते हैं या कुछ प्रेशर आ जाता है, मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये जो स्विंगिंग ऑफ मूड है, ये हर 2 घंटे के अंदर कुंडली चेंज होती है, लग्न चेंज होता है, इसके कारण होता है। तो ये चंद्र की बात है। और चंद्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि सबसे जो नज़दीक ग्रह है पृथ्वी के, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी के ऊपर, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो सूर्य का है। क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, उसकी एनर्जी से ही सब कुछ हमारे पृथ्वी के जो कार्य रचना है, कार्य क्षेत्र जो है, सब कुछ जो चलता है फिरता है, जितने भी जीव हैं पृथ्वी के ऊपर, सजीव है, ये सब का जो अस्तित्व है, वनस्पति जो भी है, ये सूर्य के कारण है। और उसके बाद दूसरा नंबर है चंद्र का। दूसरा नंबर चंद्र का है जो मन को, माइंड को कंट्रोल करने वाले। यदि आप माइंड से कार्य करते हैं, तो दिमाग से काम करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिजिकली वर्क भी सब लोग बहुत हार्ड करते हैं, लेकिन जो मेंटल ब्रेन से काम करते हैं वो लोग लाइफ में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो चंद्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। और मूड जैसे बताया कि चौथे स्थान के अंदर ये फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इसके कारण सुख स्थान के अंदर जब चंद्र होते हैं तो सुख की अनुभूति नहीं करने देंगे। आपके मन में क्या विचार आएगा, आपके मन में ये विचार आएगा कि मैं यहाँ जाऊँ तो सुख मिले, कि यहाँ जाऊँ तो सुख मिले, मैं क्या करूँ तो मेरे को सुख मिले, तो ऐसी परिस्थिति होगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सुख स्थान के जो चंद्र है ये सुख की अनुभूति नहीं करने देंगे। नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो कर्क पुनर्वसु के लिए
ये अति मित्र नक्षत्र है, कर्क कुश्य के लिए ये मित्र तारा है, लेकिन कर्क अश्लेषा के लिए ये ट्रांजिट शोभनीय होगी। अश्लेषा में पर्टिकुलरली जिनका जन्म का सूर्य है या चंद्र है, ये दोनों जातक बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। आज के दिन के अंदर आपको मकान वाहन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा, कर्क राशि वाले तमाम जातकों को, और अश्लेषा वाले पर्टिकुलरली एब्सोल्युटली नॉट गुड। सिंह राशि, पराक्रम स्थान के अंदर चंद्र है, साहस भुवन के अंदर आपकी भुजाओं के ऊपर है और आपका तो साहस बढ़ने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स बी केयरफुल, चंद्र में बल नहीं है, इतना भी कुछ डेयरिंग ना करें क्योंकि चंद्र का बल बिल्कुल डाउन है। मघा वाले जातकों के लिए ये साधक नक्षत्र है, सक्सेस जोन के अंदर है, पूर्व फाल्गुनी के लिए मित्र है, उत्तर फाल्गुनी के लिए क्षेम तारा है, तो ठीक है। पराक्रम भुवन के जो चंद्र है कहीं ना कहीं आप सबको थोड़ा यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से लाभ तो जरूर करवाएंगे। कन्या राशि के लिए चंद्र जो है वो धन स्थान के अंदर है, वाणी के स्थान के अंदर, वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे इतना ही आपको लाभ रहेगा। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए एक सैम तारा है, कन्या हस्त के लिए ये विपत नक्षत्र होगा। विपत माने टेंशन, पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर टेंशन स्ट्रेस ना बढ़े उसका केयर करना होगा। वाणी में भी सेम रत्न होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और कन्या चित्रा के लिए संपत्त नक्षत्र है, आपको कुछ जबरदस्त लाभ मिल सकता है। तुला चित्रा के लिए भी संपत्त नक्षत्र है, आपकी राशि के अंदर चंद्र है जो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले हैं। स्वाति वाले आज आराम करेंगे क्योंकि आज का नक्षत्र स्वाति है, तो आराम तो पसंद है बेसिकली, और आराम करने का नक्षत्र है, तो स्वाति वाले आज थोड़ा सा लेजीनेस महसूस करेंगे। तुला विशाखा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो आपके लिए भी बहुत शुभ फल देने वाले हैं। फिर भी कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है, जल तत्व की राशि है, चंद्र 12वें स्थान के अंदर है, वायु तत्व के अंदर है, इसका जो बैलेंस है माइंड का आज नहीं रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। तुला चित्रा के सॉरी वृश्चिक विशाखा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र होगा, वृश्चिक अनुराधा के लिए ये मित्र तारा होगा, लेकिन ज्येष्ठा वाले जातकों के लिए आज का नक्षत्र वध है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में पर्टिकुलरली जिनका जन्म का सूर्य है या चंद्र है, ये दोनों जातकों को आज बहुत केयरफुल रहना होगा। लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। धनुराशि, चंद्र लाभस्थान के अंदर है लेकिन बल बिल्कुल नहीं है, और मूला के लिए ये कुछ मित्रों से लाभ करने वाला होगा क्योंकि मूला के लिए साधक नक्षत्र है। पूर्व षाढ़ा वाले जातकों के लिए मित्रों के साथ ऑपोजिशन हो सकता है, और उत्तरा षाढ़ा के लिए एक सेम तारा है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ लाभ गेन जरूर होगा। मकर उत्तरा षाढ़ा के लिए चंद्र 10वें स्थान के अंदर, सेम तारा के अंदर, बिजनेस कारोबार को इम्प्रूव करने वाले होंगे। एब्रोड रिलेशन, एब्रोड कनेक्शन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ काम करते हैं तो आपको कुछ लाभ जरूर होगा। मकर श्रवणा के लिए विपत नक्षत्र है, तो अपर लेवल से आपको कुछ एडवाइस मिल सकती है जो आपको पसंद नहीं होगी, और यानी कि हमारे गुजराती में बोलते हैं कि फादर की ओर से कुछ आपको फादर डांटेंगे, आपको ऐसे अपर लेवल वाले डांटेंगे क्योंकि इसका जो नक्षत्र है ये विपत नक्षत्र है। श्रवणा के लिए जो स्वाति है वो विपत नक्षत्र है, विपत माने टेंशन, तो फादर से भी मिल सकता है या तो जॉब में अपर लेवल से भी मिल सकता है। हमारे गुजराती में इसको बोलते हैं पिता तमने ठपको आपसे, फादर तमने ठपको आपसे, ठपको आपसे मतलब वो ठपकार से ऐसा नहीं है आपको मारेंगे ऐसा नहीं, लेकिन कुछ
ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा एडवाइस करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। और श्रवणा के लिए पर्टिकुलर, मकर धनिष्ठा के लिए आज का जो नक्षत्र है ये स्वाति संपत नक्षत्र है, 10वें स्थान के अंदर चंद्र कुछ जबरदस्त लाभ करने वाले हैं। बिजनेस और करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको जबरदस्त काम मिल सकता है। कुंभ धनिष्ठा के लिए चंद्र भाग्य स्थान के अंदर है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। यात्रा प्रवास, स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग से आपको कुछ जबरदस्त लाभ मिल सकता है। कुंभ शतभिषा के लिए जन्म तारा है, लेकिन भाग्य स्थान के अंदर यहाँ पर योनि दोष बनता है। स्वाति और शतभिषा का जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ ठीक नहीं है। कुंभ राशि में जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, आज का चंद्र जो है ये स्वाति नक्षत्र में है, योनि दोष बनता है। शतभिषा की जो योनि है ये अश्व योनि है, और आज का जो चंद्र है इसकी योनि महिषी योनि है। महिषी माने भैंस, और नक्षत्र में तारा चक्र से ये दोनों कट्टर शत्रु हैं। इसके कारण क्या होगा कि आप भले जन्म तारा हैं, दोनों के नक्षत्र मालिक राहु है, लेकिन फिर भी आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तो आपका भाग्य चमकने वाला है। पूर्व भाद्रपद की तो चांदी चांदी है, क्योंकि 10वें स्थान में जो सूर्य बुध शुक्र है तीनों तीन अनुराधा नक्षत्र में है, भाग्य में चंद्र अति मित्र नक्षत्र बनकर आए हैं। तो कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए आज का दिन राजयोग कारक बोल सकते हैं। बहुत लंबे समय के बाद आपका ऐसा समय आया है फ्रेंड्स। और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए गुरु भी संपद है, सूर्य बुध शुक्र गुरु इतने ग्रह संपद में हैं, चार ग्रह आपके लिए, तो आप तो चांदी चांदी है आपकी, ऐसा कह सकते हैं। कुंभ राशि वाले तमाम जातकों के लिए वैसे शुभ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पूर्व भाद्रपद के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी ट्रांजिट है। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए चंद्र अष्टम स्थान पे होंगे, माइंड का वाइब्रेशन बढ़ेगा, माइंड की स्टेडीनेस को रखना जरूरी होगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए ये मित्र नक्षत्र है, लेकिन मीन रेवती के लिए ये वध नक्षत्र होगा। 8वें स्थान में चंद्र वध नक्षत्र में शुभ फल देने वाले नहीं है। पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर स्ट्रेस और टेंशन ना बढ़े उसका केयर करना होगा। वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर अपने फैमिली और अपने इन लॉज के साथ। चंद्र के स्वाति नक्षत्र की शांति के लिए क्या करें, बहुत सिंपल प्रयोग है, फीडिंग टू बफेलोस, भैंस को खिलाना है। और यदि आपको आपसे ये प्रयोग कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं कि आपके सराउंडिंग में भैंस कहीं अवेलेबल नहीं है, तो अपने जो मंत्र करना है श्री गणेश जी का ध्यान करके मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में, नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में इस प्रेडिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार के जो नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन है शायद कभी कोई चैनल के ऊपर अभी तक अपलोड नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, आपका सबका आने वाला समय शुभ रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रेडिक्शन में।